Dear students, so today we are going to discuss the questions from the lesson An Astrologer's Day, class 11th, General English, Extensive Study Part. So, pehle short answer questions dekh lein. So, what was the astrologer's professional equipment? Aur jo astrologer tha, jyotishi tha, uska professional equipment kya tha? Vyavsayik saman kya tha? The astrologer's professional equipment consisted of a dozen cori shells. So, usme डजन दर्जन भर कॉरी शेल्स थे, सीतियाँ थी, अ स्केयर पीस ऑफ क्लोथ और एक क्लोथ का कपड़े का चौरस टुकड़ा विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट और ऑब्सक्योर अनक्लियर सो मिस्टिक चार्ट्स, सो मिस्टिक मतलब रहस्यमयी टाइप, ठीक है. और यहाँ पे बेसिकली मतलब उसका यही है कि जो जन्म पत्रियाँ हैं, सो जन्म पत्रियों पर जो टेवे बने होते हैं, जैसे उनके चार्ट्स बने होते हैं, सो वो थे. अ नोटबुक, और एक नोटबुक थी, एंड अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग, और एक बंडल ऑफ पामायरा लीव्स के ऊपर राइटिंग बनी हुई, लिखा हुआ कुछ. तो ये सारी सामान थे जो आमतौर पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होते हैं, तो वही चीज़ें उसके पास थी. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे टी जो है स्मॉल है, सो मेक श्योर इसको आप कैपिटल कर दो, और यहाँ पे ऑफ अ डजन कर देना यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड ही गिव हिज फेस द लुक ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर. सो उसने अपने फेस को एस्ट्रोलॉजर का लुक कैसे दिया, अपने चेहरे को ज्योतिषी का दिखावा लुक कैसे दिया कि देखने में वो एस्ट्रोलॉजर लग रहा था प्रॉपरली. ही पुट सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड, और उसने सैक्रेड ऐश, पवित्र राख और वर्मिलियन सिंदूर अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे लगाया हुआ था. ही कैप्ट डार्क विस्कर्स, और उसने गहरे रंग के विस्कर्स और मूछें उसकी रखी हुई थी. विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो कि स्ट्रीम डाउन लटक रही थी उसकी चीक्स पे, उसकी गालों पे. ही वूंड अ सेफ्रन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, और सेफ्रन कलर का, केसरी रंग का टर्बन, पगड़ी उसने अपने सिर के आसपास वूंड की हुई थी, लपेटी हुई थी. दिस गेव हिम द लुक ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, और ये जो सब था हुलिया, उसको एस्ट्रोलॉजर का लुक देता था, देखने में वो एक ज्योतिषी लगता था. तो हालांकि हमने पढ़ा कि वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर था नहीं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर का दिखावा ही था, ज्ञान तो नहीं था उसको, तो लेकिन ये सारा जो हुलिया था उसकी वजह से वो एस्ट्रोलॉजर लगता था. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर डिड ही सिट एवरी डे. सो हर रोज़ वो कहाँ पे बैठता था. ही सैट अंडर द बोज ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमेरेंड ट्री, और एक स्प्रेडिंग फैला हुआ टैमेरेंड इमली का पेड़, उसकी बोज, उसकी टहनियों डालियों के नीचे वो बैठता था. विच फ्लैंक्ड ए पाथ, और वो ये जो डालियाँ थी वो फ्लैंक करती थी, फ्लैंक मीन साइडवेज थी, एक पाथ के, एक रास्ते के साइड पे थी, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और ये जो रास्ता था वो टाउन हॉल पार्क की ओर जाता था. तो उस सड़क के, उस रास्ते के किनारे पे पेड़ था, और पेड़ के नीचे वो बैठता था. क्वेश्चन नंबर फोर, हु वर द अदर प्रोफेशनल्स ऑन द रोड, कि और कौन से प्रोफेशनल्स थे, पेशेवर लोग थे सड़क पे. वेयर द एस्ट्रोलॉजर कैरीड ऑन हिज बिजनेस, तो जहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, वो अपना बिजनेस करता था, अपना काम करता था जिस सड़क पे, उस सड़क पे और कौन से पेशेवर लोग थे. सो देयर वर प्रोफेशनल्स बिलोंगिंग टू अ वैरायटी ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशंस. सो जो प्रोफेशनल, बहुत सारे प्रोफेशनल्स थे, पेशेवर लोग थे, जो कि अलग अलग वैरायटी ऑफ तरह तरह के जो ट्रेड है, व्यापार हैं और प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय हैं, सो उनमें काम करते थे ऑन द रोड, सड़क के ऊपर ये लोग. Among them were medicine sellers, और उनमें दवाई बेचने वाले थे. Sellers of stolen hardware and junk, और चुराया हुआ हार्डवेयर और जंक, कबाड़ का सामान बेचने वाले. और magicians, जादूगर. And auctioneer of cheap cloth, और सस्ता कपड़े बेचने वाला auctioneer, बोली लगाने वाला व्यक्ति. And a vendor of fried groundnut, और fried groundnut, तली हुई मूंगफली बेचने वाला विक्रेता. सो ये सब लोग वहाँ पे अपना काम करते थे उस सड़क पे. क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स, वो कौन से अलग अलग नाम थे गिवन बाय द वेंडर, जो वेंडर द्वारा, विक्रेता द्वारा, ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, तली हुई मूंगफली के विक्रेता द्वारा दिए जाते थे टू इज ग्राउंडनट्स, उसकी ग्राउंडनट्स को, उसकी मूंगफली को. द वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स के फैंसी नेम्स, और जो वेंडर था फ्राइड ग्राउंडनट्स का, जो विक्रेता था मूंगफली का, वो फैंसी नेम देता था, बड़े कैची नाम, बड़े अट्रैक्टिव से नाम देता था.
टू इज ग्राउंड नट्स, अपनी ग्राउंड नट्स को, अपनी मूंगफली को, लाइक बम्बे बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आमंड, राजाज डेलिकेसी एंड सो ऑन। सो इस तरह के नाम वो तरह तरह के अपनी मूंगफली के रखता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ लाइट, और लाइट का क्या सोर्स था, रोशनी कहाँ से आती थी, यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर, जो कि एस्ट्रोलॉजर द्वारा इस्तेमाल की जाती थी ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स। सो शाम के समय, सो एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी खुद की लाइट तो नहीं थी, तो वो कौन सी लाइट थी जो वो यूज़ करता था। द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट हैव हिज ओन लाइट अरेंजमेंट, सो उसके पास अपना लाइट अरेंजमेंट नहीं था। ही ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, और वो अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करता था, अपना बिजनेस चलाता था बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, उस फ्लेयर की रोशनी में, उस आग की लपटों की रोशनी में, विच क्रैकल, जो कि क्रैकल करती थी, मतलब आवाज़ करती थी, एंड स्मोक्ड अप, और स्मोक अप धुआं उठता था, अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय, सो पास ही जो ग्राउंड नट हीप था, मूंगफली का ढेर था, सो उसके ऊपर जो वो आग सी जलाता था, तो उसके धुएं से और उसका जो फ्लेयर थी, उसकी जो आग की लपटें थी, फ्लेम थी, तो उसमें वो अपना काम चलाता था। द प्लेस वॉज ऑल्सो लिट अप बाई द लाइट्स इन द नियर बाई शॉप्स, और जो ये जो जगह थी, वो जो नियर बाई शॉप्स जो थी, साथ वाली दुकानें थी, उनकी लाइट से भी वहाँ पे रोशनी आती थी। एंड बाय गैस लाइट्स, साइकिल लैंप्स एंड नेक्ड फ्लेयर्स, और जो गैस लाइट्स थी आसपास दुकानों पे, वहाँ उसकी रोशनी आती थी। साइकिल लैंप्स, पुराने टाइप की लैंप होती थी, ठीक है, तो उसकी भी रोशनी होती थी। और नेक्ड फ्लेयर्स, मतलब बिना चिमनी वाली आग की लपटें, स्टक ऑन पोल्स, सो पोल्स के ऊपर, डंडों के ऊपर जैसे आग लगा के मशाल सी बनाई होती थी, तो उन सबसे रोशनी आती थी बाय द अदर वेंडर्स, जो दूसरे वेंडर्स जलाते थे। सो इन सब लाइट सोर्सेज से उसको लाइट प्राप्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज नारायण डिस्क्राइब द एस्ट्रोलॉजर्स नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो जो नारायण है, क्या नारायण जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज की एस्ट्रोनॉमी के बारे में। सो उसकी जो एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष ज्ञान जो है उसका, उस कैसे उसके बारे में बताया गया है। नारायण द ऑथर सेज, नारायण जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कहते हैं दैट द एस्ट्रोलॉजर वाज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, ये जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वो भी उतना ही स्ट्रेंजर, अजनबी था स्टार से, ग्रह नक्षत्रों तारों से, एज वर इज इनोसेंट कस्टमर्स। सो जितने कि उसके भोले भाले जो ग्राहक थे, जैसे उनको कोई नॉलेज नहीं थी तारों की, ग्रहों की, सितारों की, नक्षत्रों की, तो इसको भी कोई नॉलेज नहीं थी, ये भी उतना ही अनजान था जितना इसके ग्राहक थे। इट मीन्स, इसका मतलब यही है दैट द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट हैव एनी ऑथेंटिक नॉलेज, कि एस्ट्रोलॉजर को कोई ऑथेंटिक, रियल, सच्ची नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था अबाउट एस्ट्रोनॉमी। सो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड द एस्ट्रोलॉजर हैव डन इफ एस्ट्रोलॉजर ने कैसे करना था इफ़ ही हैड कॉन्टिन्यू टू लिव इन हिज ओल्ड विलेज, यदि वो अपने पुराने गांव में ही रहता, सो वही कंटिन्यू करता जैसे पहले गांव में अपने रह रहा था, तो यदि वहीं पे आगे भी रहता तो फिर वहां पे उसकी क्या हालत होनी थी, उसने क्या करना था। इफ़ ही हैड कॉन्टिन्यू टू लिव इन हिज ओल्ड विलेज, यदि वो अपने पुराने गाँव में ही रहता जाता, वैसे ही कॉन्टिन्यू करता, He would have carried on the work of his forefathers. तो उसने अपने forefathers का, अपने पूर्वजों का, पिता दादा परदादा का जो काम था वही आगे बढ़ाना था। Namely, और वो काम क्या था, tilling the land, और land को till करना, ज़मीन को खेती बाड़ी करना, living और ऐसे जीना, marriage करना, and ripening in his corn field, और ripen हो जाना, पक जाना, बूढ़े हो जाना अपने कॉर्न फील्ड में, अपनी मक्की के खेतों में, एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में। सो यही उसका भाग्य होना था, उसने यदि गांव में रहता तो वही खेतीबाड़ी करनी थी, ऐसे ही उसने अपना नॉर्मल लाइफ चलानी थी, मैरिज करनी थी, बूढ़े हो जाना था और ऐसे ही मर जाना था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेस हिज क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स। जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को, अपने ग्राहकों की समस्याओं को कैसे गैस कर लेता था, कैसे उनका अंदाज़ा लगा लेता था।
द एस्ट्रोलॉजर न्यू, एस्ट्रोलॉजर जानता था दैट द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल, की जो आम समस्याएं हैं लोगों द्वारा जो फेस की जाती हैं, सामना किया जाता है, वो रिलेटेड टू मैरिज, मनी एंड रिलेशंस। सो वो मैरिज के साथ, शादी के साथ, पैसे के साथ और रिश्तों के साथ जुड़ी होती हैं समस्याएं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और काफ़ी जो उसने प्रैक्टिस की हुई थी, काफ़ी अभ्यास किया हुआ था, उसकी वजह से जो उसका परसेप्शन है, उसकी जो देखने की शक्ति है वो शार्पन हो गई थी, समझने की शक्ति उसकी तेज हो गई थी। ही नेवर ओपन्ड हिज माउथ, वो अपना कभी मुंह नहीं खोलता था टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक दूसरा आदमी 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था तब तक मुंह नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ, और जिससे कि उसको काफ़ी मटीरियल मिल जाता था फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइजेस। सो दर्जन भर उत्तर और एडवाइस देने को, सलाह देने के लिए उसको काफ़ी जो मटीरियल है, काफ़ी जो जवाब हैं उसको मिल जाते थे, क्योंकि वो खुद तो बोलता ही नहीं था पहले, दूसरे को पूरी तरह बोलने देता था 10 मिनट, तो उसी से इंफॉर्मेशन ले लेता था, वही इंफॉर्मेशन उसको बाद में दे देता था। और बाकी ये भी उसको पता था कि मेन जो भी लोग आते हैं, तीन ही बातें होती हैं, या मैरिज के लिए, या मनी के लिए, या रिलेशंस के लिए, तो इसलिए वो लोगों की मानसिकता को समझता था। सो प्रैक्टिस की वजह से उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जो समझने की क्षमता है, तो वो बढ़ गई थी, और इसी वजह से वो जो है आसानी से पता लगा लेता था कि प्रॉब्लम क्या है। सो ये नहीं कि उसको कोई ज्ञान था एस्ट्रोलॉजी का, ऐसी बात नहीं थी, तो इस तरीके से वो अंदाजा लगाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द चैलेंज थ्रोन बाय द क्लाइंट टू द एस्ट्रोलॉजर, वो कौन सा चैलेंज था, कौन सी चुनौती थी जो क्लाइंट ने, उसके ग्राहक ने दी एस्ट्रोलॉजर को। द चैलेंज थ्रोन बाय द क्लाइंट, और जो चैलेंज दिया गया, चुनौती दी गई क्लाइंट द्वारा, ग्राहक द्वारा, वाज दैट ही वुड आस्क द एस्ट्रोलॉजर सम क्वेश्चंस, कि वो ये थी कि वो एस्ट्रोलॉजर को कुछ सवाल पूछेगा, ज्योतिषी को सवाल पूछेगा, टू विच द एस्ट्रोलॉजर शुड प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स, और उन सवालों के सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक उत्तर एस्ट्रोलॉजर को देने होंगे। इफ़ ही फेल्ड टू डू सो, यदि वो ऐसा ना कर पाया, ही वुड रिटर्न द क्लाइंट्स मनी, तो वो क्लाइंट के पैसे वापस कर देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो ब्याज समेत जो भी पैसे उस ग्राहक ने दिए हैं, तो वो बढ़ा के ब्याज समेत उसको वापस देगा। सो ये चुनौती थी। हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर राइटली गेस द पास्ट ऑफ द क्लाइंट, और वो जो क्लाइंट था, जो व्यक्ति उसके पास आया, उसका पास्ट, उसका बीता हुआ समय कैसे उसने राइटली गेस कर लिया, सही तरीके से अंदाज़ा कैसे लगा लिया उस व्यक्ति के पास्ट का। द एस्ट्रोलॉजर न्यू द क्लाइंट वेरी वेल, एस्ट्रोलॉजर उस क्लाइंट को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, सिंस द डेज ऑफ हिज यूथ, अपने जवानी के दिनों से उसको जानता था। व्हेन ही वाज ए सिली यंगस्टर, और जब वो एक सिली यंगस्टर था, बेवकूफ नौजवान था, ही हैड ड्रैंक एंड गैम्बल्ड, तो उसने शराब पी थी और गैम्बल किया था, जुआ खेला था अलॉन्ग विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ, एंड हैड ऑलमोस्ट किल्ड हिम, और उसको लगभग मार ही दिया था, उनकी झगड़ा हो गया था और लगभग उसने मार ही दिया था। Therefore he knew his past very well. इसलिए उसको उसके पास्ट के बारे में, बीते समय के बारे में बड़ा अच्छी तरह से पता था। क्वेश्चन नंबर 12, What did the astrologer tell his wife? Astrologer ने अपनी पत्नी को क्या बताया? The astrologer told his wife, astrologer ने ये बताया, why he had ran away from home, क्यों वो घर से दौड़ गया था, settled in the town, और शहर में आके बस गया था, and married her, और उसके साथ शादी कर ली थी, उसके पीछे क्या कारण था। He told her, उसने ये बताया, that he thought he had killed a man, कि उसने ये सोचा था कि उसने एक आदमी को मारा है, but later came to know, लेकिन बाद में उसे पता चला, that he was alive, कि वो जीवित है। So these were the short questions, and now we move on to the long questions. अभी long questions देख रहे हैं, तो उसमें 5 long questions हैं, तो पहले इनको थोड़ा समझ लें, question है क्या। So first है, write in brief a character sketch of astrologer, astrologer का character sketch बताना है हमने। Second question है, explain briefly the sting in the tale contained in the story. So sting in the tale, ये बहुत सारे lessons के questions में ये term आती है, sting in the tale. Sting मतलब डंक, tail मतलब पूंछ, पूंछ में डंक मतलब यही है, tail जो पूंछ है बिल्कुल end में होती है, तो sting in the tale मतलब यही है कि कहानी के end में, अंत में अचानक एक मोड़, अचानक एक twist आ जाता है, तो इसको कहते हैं स्टिंग इन द टेल, की पहले कहानी नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन जब एंड सा होता है तो जो सोचा नहीं होता कुछ ऐसा हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टिंग इन द टेल। और वो कहता है कि ये जो इस कहानी में जो स्टिंग इन द टेल है, जो एंड में क्या ट्विस्ट आता है, क्या मोड आता है, उसके बारे में बताओ। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फाइनली हैव हिज डे,
कैसे जो एस्ट्रोलॉजर था आखिरकार उसका दिन आया, सो कैसे उसका अच्छा दिन गुजरा, एक्सप्लेन उसके बारे में बताएं। समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एस्ट्रोलॉजर एंड हिज क्लाइंट। सो एस्ट्रोलॉजर और उसके क्लाइंट में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, नाता उनका, उसको समराइज करो ब्रीफली, उसके बारे में बताओ कि क्या लिंक था, क्या रिलेशन था उन दोनों का आपस में। और फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू लाइंस ऑन एन एस्ट्रोलॉजर बाय द रोड साइड। सो एन एस्ट्रोलॉजर बाय द रोड साइड, एक ज्योतिषी सड़क के किनारे, सो इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखो। सो फाइव क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन सब बेसिक एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, मतलब काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजर का इसमें करेक्टर स्केच बताना है, इसमें भी कहानी के एंड में क्या होता है उसके बारे में बात करनी है, और इसमें बताना है कैसे आखिरकार एस्ट्रोलॉजर का दिन आया, और एस्ट्रोलॉजर और क्लाइंट की रिलेशनशिप, और इस पर भी सेम ही एस्ट्रोलॉजर बाय द रोड साइड। सो करेक्टर स्केच वाली बात ही है, यहाँ पे भी काफ़ी मिलती जुलती है। सो वी आर गोइंग टू राइट ए कम्बाइंड आंसर, सो इसका एक सिंगल आंसर लिखने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत भी ना आए, आसान भी हो जाए, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो भी आंसर हो जाएं प्रॉपरली। सो हालांकि इट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, अ लॉन्ग आंसर, बट स्टिल, सो फाइव क्वेश्चन के लिए दो क्वेश्चन के बराबर का आंसर यदि है, सो दैट इज़ नॉट अ बैड ट्रेड ऑफ, इसमें कोई बुराई नहीं है, और वी विल कवर ईच एंड एवरी थिंग। सो देखें इसमें क्या लिखा है हमने। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये जो एस्ट्रोलॉजर डे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, दिलचस्प कहानी है, बाय आर के नारायण, आर के नारायण द्वारा। द स्टोरी कैरीज ए स्टिंग इन द टेल, और इस कहानी में एक स्टिंग इन द टेल है, पूँछ में डंक वाली बात, ट्विस्ट इन द एंड वाली बात, एंड में ट्विस्ट आता है। द स्टोरी मूव्स ऑन एट ए स्लो एंड स्टेडी पेस, और पहले तो जो कहानी है बड़ी धीरे धीरे और निरंतर एक स्पीड पे चलती रहती है, एंड देन सडनली इन द एंड, और फिर अचानक अंत में देर इज़ ए ट्विस्ट, एक ट्विस्ट आ जाता है, एक मोड़ आ जाता है, विच लीव्स द रीडर स्टार्टल्ड एंड अमेज्ड, और जिससे कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो स्टार्टल हो जाता है, चौंक जाता है, और अमेज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। सो यही मतलब है स्टिंग इन द टेल का, ये एंड में चौंक जाना। द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, सो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, करेक्टर है, जो मेन पात्र है कहानी का, जो एक्टर है, वो एक एस्ट्रोलॉजर है, एक ज्योतिषी है। द एस्ट्रोलॉजर पुट सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड, सो जो एस्ट्रोलॉजर था वो सेक्रेड ऐश, पवित्र राख और वर्मिलियन सिंदूर अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे लगाता था। ही केप्ट डार्क विस्कर्स, वो गहरे रंग की, काले रंग की मूछें रखता था बड़ी बड़ी, विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो कि उसकी गालों से नीचे गिरती थी। ही वूंड ए सैफ्रन कलर टर्बन, और वो एक सैफ्रन कलर का, केसरी रंग का पगड़ी बांधता था अराउंड हिज हेड, अपने सिर के आसपास। दिस गेव हिम द लुक ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, इससे वो दिखने में एस्ट्रोलॉजर जैसा लगता था। इन रियलिटी ही डिड नॉट हैव एनी ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट एस्ट्रोनॉमी, और रियलिटी में, असलियत में उसकी कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं थी, कोई रियल जेन्युइन असली ज्ञान नहीं था उसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में, खगोल विद्या के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, वो उतना ही अजनबी था तारों के प्रति, नक्षत्रों, ग्रहों के प्रति, एज वर इज कस्टमर, जितने कि उसके कस्टमर्स थे। तो यदि देखा जाए तो बेसिकली वी हैव सिंपली जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने किए हैं वही यहाँ पे, कुछ नया नहीं किया, उन्हीं को जोड़ा हुआ है आप ध्यान से देखोगे तो। बट ही ईजिली फूल्ड इज इनोसेंट कस्टमर्स, और लिखा है लेकिन वो आसानी से अपने भोले भाले ग्राहकों को फूल कर देता था, उनको मूर्ख बना देता था। ही न्यू, वो जानता था दैट द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल, की जो आम समस्याएं हैं लोगों द्वारा जो फेस की जाती हैं, वो रिलेटेड टू मैरिज, मनी एंड रिलेशंस, वो मैरिज, मनी और रिलेशन से जुड़ी होती हैं, शादी, पैसा और रिश्ते। लॉन्ग प्रैक्टिस एट शार्पन इज परसेप्शन, और काफ़ी जो उसकी लंबी प्रैक्टिस थी उसकी वजह से उसके परसेप्शन शार्प हो गया था, उसका समझने का जो नज़रिया था वो काफ़ी तेज हो गया था। ही नेवर ओपन इज माउथ, वो कभी अपना मुंह नहीं खोलता था टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक दूसरा व्यक्ति 10 मिनट बोल नहीं लेता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ़, जिससे उसको काफ़ी स्टफ़, काफ़ी मटीरियल, काफ़ी बातें मिल जाती थी। फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइजेज, दर्जन भर उत्तर और सलाहें देने के लिए उसको काफ़ी चीज़ इंफॉर्मेशन मिली जाती थी उसको। दिस मेड इज करियर एज एन एस्ट्रोलॉजर वेरी सक्सेसफुल, और इसकी वजह से जो उसका करियर था एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिषी का, वो काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी सफल था। और इस पैराग्राफ को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वी हैव सिंपली कम्बाइंड
आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस 2, 7 एंड 9. सो सेकंड क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन और नाइन्थ को मिला के ये बनाया हुआ, कुछ अलग नहीं लिखा. यदि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ है इसमें. एंड नेक्स्ट, बट वन डे, लेकिन एक दिन की बात है, द एस्ट्रोलॉजर वॉज चैलेंज्ड बाय ए क्लाइंट. सो एस्ट्रोलॉजर को एक क्लाइंट द्वारा, एक ग्राहक द्वारा चुनौती मिली. द चैलेंज थ्रोन बाय द क्लाइंट वॉज, और जो चैलेंज था, चुनौती था, थी ग्राहक द्वारा, वो ये थी दैट ही वुड आस्क द एस्ट्रोलॉजर सम क्वेश्चंस, कि वो कुछ सवाल पूछेगा एस्ट्रोलॉजर से, टू विच द एस्ट्रोलॉजर शुड प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स, और एस्ट्रोलॉजर को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स देने होंगे, संतोषजनक उत्तर देने होंगे. इफ़ ही फेल्ड टू डू सो, यदि वो ऐसा नहीं कर पाया, ही वुड रिटर्न द क्लाइंट्स मनी, तो क्लाइंट के, ग्राहक के पैसे वापस कर देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत. द एस्ट्रोलॉजर न्यू द क्लाइंट वेरी वेल, एस्ट्रोलॉजर उसको बड़े अच्छी तरह से जानता था, सिंस द डेज ऑफ हिज यूथ, अपनी जवानी के दिनों से. ऑल्दो द क्लाइंट हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम, हालांकि ग्राहक ने उसको नहीं पहचाना था. व्हेन ही वाज ए सिली यंगस्टर, जब वो एक बेवकूफ नौजवान था, ही हैड ड्रैंक एंड गैम्बल्ड, उसने शराब पी थी और जुआ खेला था अलॉन्ग विद द क्लाइंट, उस ग्राहक के साथ. एंड हैड ऑलमोस्ट किल्ड हिम, और उसको ऑलमोस्ट किल कर दिया था, मार ही डाला था लगभग. देयरफॉर ही न्यू हिज पास्ट वेरी वेल, इसलिए वो उसका बीता हुआ जो समय था उसको बड़े अच्छी तरह से जानता था. ही टोल्ड द क्लाइंट एवरीथिंग अबाउट हिज पास्ट, उसने क्लाइंट को सब कुछ बता दिया उसके बीते समय के बारे में. एंड वन इज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास जीत लिया. ही लाइड टू हिम, उसने उससे झूठ बोला, दैट द पर्सन अगेंस्ट होम ही वॉज सीकिंग रिवेंज, कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो बदला लेना चाहता है, हैड गॉट किल्ड इन एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है. द क्लाइंट वॉज सेटिस्फाइड, क्लाइंट जो था वो संतुष्ट हो गया. एंड ही पेड ए हैंडफुल ऑफ कॉइंस टू द एस्ट्रोलॉजर, और उसने मुट्ठी भर जो सिक्के थे वो एस्ट्रोलॉजर को दे दिए. तो इसमें भी जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने वो कंबाइन किए हैं, जो इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट है. स्टोरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द गलेबिलिटी ऑफ कॉमन पीपल. सो ये जो कहानी है बड़ी खूबसूरती से पोर्ट्रे करती है, दर्शाती है गलेबिलिटी, भोलापन, बुद्धूपन कॉमन पीपल का, आम लोगों का, हु आर ईजीली फूल्ड, जो कि आसानी से मूर्ख बन जाते हैं, बाय श्रूड पीपल, चलाक लोगों द्वारा, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जैसे, ज्योतिषी जैसे चलाक लोग आसानी से बोले वाले लोगों को मूर्ख बना देते हैं. तो वही दर्शाया गया. सो अगेन हियर वी हैव टू पैराग्राफ्स, हालांकि दो पैराग्राफ्स हैं, पहले में भी हमने 2, 7 और 9 क्वेश्चन को कंबाइन किया और इसमें 10 और 11 को किया है. तो इसके अलावा थोड़ी सी लाइन्स और ऐड की हैं. सो दर इज़ नथिंग डिफिकल्ट, काफ़ी आसानी है, और पांचों क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पूरे में मिल जाते हैं. तो आप इसको थोड़ा स्प्लिट भी कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा बना भी सकते हो. सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. सो थैंक यू, विल मीट इन अनदर वीडियो. गुड बाय टिल देन.